मुंगेली जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से आए दिन मरीजों की जान जा रही है और इसका ताजा उदाहरण सोमवार को देखने को मिला, जब रेफर सेंटर के नाम से मशहूर जिला चिकित्सालय में एक्सीडेंट का केस आया, जिसके बाद वहां मौजूद डॉक्टरों ने मरीज को बिलासपुर रेफर करने को कहा, मगर जिले में संचालित एक निजी अस्पताल के कर्मचारी के दावे में आकर परिजनों ने मरीज को उसी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जहाँ उसकी मौत हो गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। दरअसल सोमवार को संबलपुर के आसपास विकास निषाद नामक व्यक्ति सड़क हादसे में बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे उपचार हेतु रेफर सेंटर के नाम से मशहूर मुंगेली के जिला चिकित्सालय में लाया गया, मगर प्रथम दृष्टिया वहां मौजूद डॉक्टरों ने मरीज को बिलासपुर रेफर करने बोल दिया। इसी बीच जैसे ही परिजन मरीज को बिलासपुर रेफर करने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान अस्पताल में आयुष नामक युवक आया, जिसने यह बताया कि मैं अवध लाइफ केयर का कर्मचारी हूँ और वहाँ सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, इलाज के लिए अपने भाई को वहां भर्ती करवाओ। आयुष के कॉन्फिडेंस को देखते हुए मरीज के परिजनों ने उस पर भरोसा किया और विकास को अवध लाइफ केयर में भर्ती करवाया, जहां इमरजेंसी डॉक्टरों की मौजूदगी में उपचार के दौरान मरीज की मौत हो गई और 2 घंटे बीत जाने के बाद डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित करते हुए परिजनों को विकास का शव सुपुर्द कर दिया। मगर मरीज के मौत होने के बाद सही इलाज और संपूर्ण सुविधा वाले इस हॉस्पिटल प्रबंधन पर मृतक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। करीब 6-7 बजे के बीच में तो मैं लाया मुंगेली चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय में, तो जिला चिकित्सालय वाले डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपको यहाँ नहीं हो पाएगा, इसको मतलब बिलासपुर ले जाओ ऐसे करके। फिर यहाँ कोई आया जो एम्बुलेंस चलाता है लड़का, वो बोलता है कि चल मेरे यहाँ हो जाएगा। मैं अपने भाई को अवध लाइफ केयर हॉस्पिटल में लेकर गया तो वहाँ बोला कि हो जाएगा यहाँ इलाज ऐसे करके, ना वहाँ डॉक्टर था ना कुछ था, कंप्यूटर लोग मेरे भाई का छेड़खानी किया है उसको, ऐसा कुछ है। ले जाने से पहले कैसे थी स्थिति भाई की? मेरा मतलब वहाँ जाने से पहले 7-4 था मेरा भाई का, वहाँ जाने के बाद रुक गए। ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ लेके आए। कहाँ लाए थे? मुंगेली जिला चिकित्सालय, जहाँ केस को लेने में डॉक्टर जी बोले रिफ़र करने के लिए। कहाँ रिफ़र करने बोले? बिलासपुर के लिए बोले थे। तो फिर क्या किया? बिलासपुर ले जाने की तैयारी हो रही थी, इस बीच एक आयुष नाम का लड़का आया और एम्बुलेंस, आयुष ये शायद अवध लाइफ केयर में गाड़ी चलाता है ऐसा लगता है, और वहीं लेके गया है अवध लाइफ केयर में। क्या हुआ? इलाज हो जाएगा, संपूर्ण इलाज की सुविधा है करके, और इसी बीच में भाई की मृत्यु हुई है। कौन डॉक्टर इलाज कर रहा था अवध हॉस्पिटल? नाम तो हमको डॉक्टर का नहीं बताए, वहाँ एडमिट करके रख लिए। 2-2.5 घंटे बाद हमको 2 घंटे के आसपास लगभग में बताया कि उनकी मृत्यु हो गई करके। इसको दोषी मान रहे हैं? के साथ इसमें डॉक्टर की है और डॉक्टर की स्टाफ की है। कौन डॉक्टर? जो उसके मालिक हैं अवध लाइफ केयर के डॉक्टर के। इस पूरे घटनाक्रम में जब हमने अवध लाइफ केयर के डॉक्टर से बात किया तो उनके द्वारा गोलमोल जवाब देते हुए इस पूरे मामले को घुमाने का प्रयास किया गया। परिजनों ने लापरवाही का आरोप वो पता नहीं किसी के कहने पे लगाए होंगे कि जो अवध लाइफ केयर हॉस्पिटल के कोई है कर्मचारी वही ये बोल के लाया है कि यहाँ संपूर्ण इलाज उपलब्ध है, बिलासपुर जाने की कोई जरूरत नहीं है करके। इलाज है संपूर्ण इलाज, लेकिन भाई कंडीशन मौत का कोई खरीदार नहीं होता है ना। कंडीशन दिमाग यदि चोटिल अवस्था में है, बेहोश है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है तो आखिरी कंडीशन समझ लीजिए। वही इस मामले में जब हमने रेफर सेंटर के नाम से मशहूर स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी से बात किया तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। इस संबंध में हमारी समिति जांच करके दी है प्रतिवेदन, उसमें कार्रवाई 23 तारीख के बाद की जाएगी। किस टाइप की कार्रवाई होगी सर? अगर दोषी पाया जाता है तो? दोषी पाया जाता है तो उसको नोटिस दिया जाएगा सुधारों करके, या नहीं तो फिर उसको बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। आए दिन स्वास्थ्य सुविधाओं की मार झेल रहा मुंगेली जिला, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जाने वाले बड़े बड़े वादे खोखले होते दिखाई पड़ रहे हैं, मगर इन सब वादों से परेशान जिलेवासियों को जहां आशा की किरण नजर आती है वो उसी ओर रुक करते हैं, मगर इसका नतीजा क्या होता है यह तो आप टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। मुंगेली स्वास्थ्य विभाग जहां बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो बना दिए गए हैं, मगर सुविधाओं के अभाव में आए दिन यहां मरीजों को रेफर मात्र करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को यह नोटिस जारी कर देना चाहिए कि यहां छोटे छोटे बीमारियों का ही इलाज होता है, बड़े बीमारी या क्रिटिकल कंडीशन वाले मरीजों को बड़े शहरों में ही ले जाया जाए, ताकि आखिरी सांस गिन रहे मरीजों को समय मिल जाए और उनको मौत होने से बचाया जा सके। मुंगेली से विनयराज बांधड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाझर।